नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। 2009 में दो इन्वेस्टर के पास मिलने गया, इन्वेस्ट करना था कुछ पैसा। पहले इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं हमको कुछ नहीं पता है, आप पे भरोसा करके जो बता रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो हमको जो पता था, उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा था। बोला मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, 14-15 साल छोड़ सकते हैं। तो 2009 में गए थे, अब तक देखते हैं पोर्टफोलियो तो सारा का सारा पैसा 10 लाख रुपया स्मॉल कैप में लगा दिया। एक दूसरा इन्वेस्टर से मिला सेम डे, बोलते हैं हमें 10 लाख रुपया लगाना है, बताइए प्लान। आधा घंटा 40 मिनट बताया, बताने के बाद कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, सारा का सारा स्मॉल कैप में लगा देंगे। हमने तो सुना है स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, भाग जाता है, डूब जाता है, हरा जाता है, ऐसे करके। फिर समझाए थोड़ा सा, बोला नहीं 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 ये सब छोड़िए, लार्ज कैप ब्लू चिप के बारे में सुने हैं, अच्छा है, ज़्यादा रिस्की नहीं है, उसमें लगा दीजिए। तो एज पर विश इन्वेस्टर जो बोलेंगे उनको करना ही पड़ेगा, लगा दिया उसमें। तो अब देखते हैं, 2009 में 10 लाख रुपया स्मॉल कैप में लगा दिया। तो ये तो पता नहीं था कि डीएसपी स्मॉल कैप आने वाले 14 साल में 10 लाख का 2 करोड़ 25 लाख बना देगा, पता ही नहीं था। किसको पता होता है फ्यूचर का, तो ब्रह्मा जी बन जाएंगे फिर कि भाई फ्यूचर का पता है। दूसरा फ्रेंड फ्रैंकलिन 10 लाख का 1 करोड़ 69 लाख बना दिया, 22% का रिटर्न, ये पता ही नहीं था। तो हमने क्या किया, 1 लाख रुपये सब में लगा दिया और एवरेज पे आ गए, 19.76% का एवरेज पहले इन्वेस्टर को मिला, ऐसा मानते हैं। तो यहां देखते हैं, 10 लाख रखा, 14 साल टाइम दिया, 2009 से अब तक 19.76% का रिटर्न। ये जितना काटना कूटना था, जिसको जिसका मिलना था, हमें कितना मिलना, फंड मैनेजर को कितना मिला, सारा एक्सपेंस काट कूट के 19.76% का रिटर्न आया। अब इसमें से कुछ नहीं काटना है, म्यूचुअल फंड पहले काट लिया बॉम्बे में, 19.76% के रेट से 10 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 24 लाख हो गया। यहां पे देखते हैं, ये 10 लाख लगाया पहले वाले को, बोला कुछ नहीं पता है, जहां झोंकना है झोंक दीजिए, टाइम बहुत ज्यादा है। 19.76 के रेट से 1 करोड़ 24 लाख हो गया। अब दूसरे कैटेगरी का आदमी, जो इनके पास थोड़ा सा दिमाग लगाया उन्होंने, तो दिमाग वाला आदमी बोला लार्ज कैप ब्लू चिप, पहला फंड मेरा एसेट लार्ज कैप, एसेट 34,000 करोड़। उन्होंने भी बोला क्या बात कर रहे हैं राजू जी, देखिए कितना एसेट है, मान लेते हैं उस समय जो है 15,000 करोड़ था, अरे इतना ज्यादा है, लगा देते हैं, लगा दिया। पहले फंड में अगर लगाया होता सारा, जो कि नहीं लगा पाए, तो 1 करोड़ 24 लाख हुआ, 19% का रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न, जो एवरेज स्मॉल कैप में मिला एवरेज उससे ज्यादा। आईसीआईसी बुल्लू चिप 10 लाख का वैल्यू 94 लाख, 14 साल में 17% का रिटर्न। तो हमको ये भी नहीं पता था, वो भी बोले अलग अलग डाइवर्सिफाइड करके लगा देते हैं, तो चल भाई एवरेज पे लगा दिए। एवरेज कहाँ गया, एवरेज 14.7, 1-1 लाख रुपये सब में लगा दिया। तो एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं, 14 साल में 14.7% का रिटर्न मिला, तो 10 लाख का वैल्यू 68 लाख रुपीज हो गया। अब आपसे पूछना चाहते हैं, आज आज मैं फिर से आता हूं 2023 में फिर से। नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है, 2023 में फिर से आया। अब मैं ये पूछता हूं, कौन रिस्की है, पहला जिसके पास 1 करोड़ 24 लाख रुपया है और दूसरा जिसके पास 68 लाख रुपीज है, इस दोनों को घर चाहिए, एक ही जगह पे रहते हैं, आसपास ही मिलने गया था, एक ने 60 लाख का फ्लैट खरीदा और दूसरे ने भी 60 लाख का फ्लैट खरीदा, ये व्यक्ति आज भी काम करने के लिए जाते हैं और ये बंदा मस्ती से बैडमिंटन खेल रहा है। तो यहाँ पे जो 56 लाख का डिफरेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है लंबे समय में। अगर समय कम है तो समझ में आता है कि स्मॉल कैप लार्ज कैप समझ में, बैलेंस फंड आता है, लेकिन ज़्यादा समय है, 10 साल 12 साल 15 साल टाइम है, तो यकीन मानिए स्मॉल कैप मिड कैप ही रिटर्न देगा। टाइम जिनके पास ज़्यादा है, रिस्क उतना ही मिनिमाइज हो जाता है, लंबे समय में रिस्क कम हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब गिरता है ना तो सब गिरता है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सब गिरेगा, और जब बढ़ना है तो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सब बढ़ेगा, सब एक साथ ऊपर नीचे बढ़ता घटता है, कुछ ज़्यादा कुछ कम, लेकिन स्मॉल कैप लंबे समय में देखेंगे ग्रोथ ज़्यादा देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी का यही रीत है, जो छोटा है वो कभी मिडिल तक आएगा और जो मिडिल है कभी लार्ज बनेगा, छोटा बच्चा है जवान होगा फिर बूढ़ा होगा, इसी तरह से ग्रोथ चलता रहेगा। तो ग्रोथ जिसमें पूरा हो चुका है वो बूढ़ा हो चुका है। अगर आपको एनर्जी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो आपको स्मॉल कैप में ही जाना पड़ेगा,
फंड मैनेजर यहाँ फोकस करते हैं कि ऐसा कौन सा स्टॉक है, ऐसा कौन सा कंपनी है जो मिडिल तक जाने का इच्छा रखता है और लार्ज भी बनने का इच्छा करता है, तो स्मॉल कैप में फोकस करते हैं वो। तो आपको भी स्मॉल कैप कैटेगरी में फोकस करना है यदि लंबा समय है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। एक यहाँ पे और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मुझे 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आया, पुलिस इंस्पेक्टर साहब थे बंगाल से, बोलते हैं एक उड़ता उड़ता चीज़ आया है राजू जी हमारे पास कि 5 लाख रुपए सालाना दो और मात्र 10 साल देना है, उसके बाद 5 साल रुक जाना है, कुछ नहीं देना है। 5-5 लाख रुपया 10 साल दिया, 50 लाख दे दिया, 5 साल कुछ नहीं देना है, 5 साल के बाद आपको 89 लाख रुपीज मिल जाएगा। कितना बढ़िया प्लान है। अरे वाह, 50 दिया, 89 मिल गया, 10 ही साल दिया, 5 साल ही तो रुकना पड़ा, इतना मिल गया, चल भाई धड़ाधड़ बिक रहा है, 90% लोग ये खरीद रहे हैं। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि राजू जी इस पे बताइए कुछ। बोले ठीक है, मोबाइल निकालिए, ऑन रखिए मोबाइल और बताते रहता हूँ। 10 साल तक 6% का ब्याज मिले, कैलकुलेट करना है खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करके, तो ये 10 साल में हो जाता है 69,85,000 हो गया। अब इस पैसे को 5 साल एफडी करके छोड़ दिया, जहां भी है वहीं है 6% के रेट से, पहले भी 6 अब भी 6, तो 5 साल के बाद हो जाता है 92 लाख। उन्होंने बोला था एकदम लिख के स्टैम्प करके 89 लाख 90 लाख रुपीज आपको मिलेगा, और यहां तो 6% के रेट से 92,33,000 हो जाता है 6%। सेफ सेफर सेफेस्ट। अगर कोई ये बता दे आपको कि आप जो पैसा लगाने जा रहे हैं 1-1 लाख करके, इसमें ताए गुड़िया ये सब गोटी सेट करके आपको 6% मिलेगा, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे मन में सोचना है। अब नौटंकी नंबर 2 में आते हैं, ये सारा नौटंकी अगर म्यूचुअल फंड में हो और यदि 12% का रिटर्न मिले भूले भटके, नहीं ज्यादा 15-16-17 कुछ नहीं, 12 मिले, तो 10 साल में 5-5 लाख रुपया जो दिए, 50 लाख दिए, उसका वैल्यू हो जाता है 98। अब इस 98 को 5 साल छोड़ा, यहां भी 12% का रिटर्न मिले, अगर मिले तो ये 98 हो जाता है 1,73,00,000। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 1 कहता है 89 लाख मिलेगा, स्टैंप लगा के दे रहा हूं। दूसरा बोलता है 6% के रेट से बैंक पोस्ट ऑफिस भी कर देंगे तो 92,33,000 मिल जाएगा। और तीसरा कहता है एकदम वेरी रिस्की वाला म्यूचुअल फंड, वही भाग जाता है डूब जाता है हरा जाता है वाला, 1,73,00,000 भागने के बाद इतना दे रहा है 12% के रेट से। तो ये तीन तरह का समीकरण आपके पास है, ब्लूटूथ कितना ऑन हुआ उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। और एक गाना जो है ना हिंदी जगत में बड़ा प्यारा रहा है, कैलकुलेट करने के बाद ये गाना गाना है, कस्मे वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। ये बातें हैं, बातों पे नहीं जाना है, हमारे बातों पे भी नहीं जाना है, कैलकुलेट करना है, मोबाइल में कैलकुलेट करना है। वो सब कैलकुलेटर करने के बाद जो समझ में आए वो कीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर से यहीं पे घंटी बजाना है, व्हाट्सअप करना है। आपको और कुछ पूछना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर घुमाएं। YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।